इट्स अ डबल बर्डन, उसे सारे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और हम देखते हैं कि औरतों को बाय नेचर इमोशनल बनाया गया है, जो अपब्रिंगिंग के लिए बहुत जरूरी है, और वो इमोशनल उसका नेचर जो है वो उसको वहां वो जिम्मेदारी भी अदा करनी है, आउट ऑफ हाउस की जिम्मेदारी भी उसे ही अदा करनी है। तो हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट, शुरू कहां से हुआ, ये जो बच्चे पैदा हो गए, जो वो माएं संभाल रही है, जो 3 करोड़ 30 लाख घर ऐसे हैं, और वो सारे बच्चे जो बच्चों को पता नहीं कि उनके वालिद कौन है, या पता हो भी तो लीगली क्लेम नहीं कर सकते, या वो बच्चे जिन्हें विरासत में कोई हक नहीं मिलने वाला क्योंकि कोई लीगल वारिस नहीं वो अपने फादर्स के, तो इतने सारे बच्चे डिप्राइव हो गए हैं अपने फादर की इनहेरिटेंस से, और सारे वो जो सोशल स्टिग्मा के साथ जीना पड़ता है जो हम देखते हैं, और बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उनके परफॉर्मेंस, उनकी ग्रोथ के अंदर भी प्रॉब्लम।